नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। देखिए, भारतीय परंपरा उत्सव की परंपरा है और उत्सव के ये उल्लास त्योहारों के बहाने हमारे जीवन में घुलते रहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है, लोग बड़ी संख्या में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। आज प्रकाश पर्व भी है, लिहाजा गुरुद्वारा की रौनक भी देखते ही बन रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक उत्सव का रंग जमा हुआ है। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिसका उत्सव काशी की धरती पर मनाने की परंपरा रही है। लिहाजा आज सबसे ज्यादा रौनक काशी में रहने वाली है। आज गंगा के घाटों पर आस्था के लाखों दिए जगमगाने वाले हैं। आज काशी में देवलोक के दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है। तो कैसी रहने वाली है काशी आध्यात्मिक संध्या और क्या है देव दीपावली की परंपरा और आध्यात्म, इस पर बात करने के लिए जाने माने पंडित और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले इस पर हम विस्तार से चर्चा करें, लेकिन आपको उससे पहले दिखा देते हैं देव दीपावली पर काशी में कैसा है उत्सव और उल्लास का रंग। काशी की लय और काशी की जय। अजर है, अमर है, जो काशी लोगों को बंधनों से मुक्त करती है। जिस काशी में बाबा विश्वेश्वर का आशीर्वाद बरसता है, वो काशी बाहें फैलाए देवलोक का स्वागत कर रही है। महादेव की नगरी काशी में इस वक्त रौनक देखते ही बन रही है, क्योंकि मौका है देव दीपावली का। हर तरफ आस्था का सैलाब आपको नजर आएगा। आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे उस तरफ आपको दिखेगा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग काशी में पहुंचे हुए हैं देव दीपावली के अवसर पर। जहां सुबह के वक्त वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग घाटों की तरफ रुक कर रहे हैं। घाटों पर आज भव्य आरती होनी है, जिसको देखने के लिए ये लोग दूर दूर से पहुंचे हैं। लेकिन भोले के प्रति ये आस्था है देश भर के लोगों की, जो आज यहाँ काशी में देखने को मिल रही है। काशी में आज पूरे देश भर के लोगों का संगम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर है। और जब हमने लोगों से बात करने की भी कोशिश की तो जाना कि कोई बिहार से आया है, तो कोई सुल्तानपुर से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, और यहाँ पर आस्था सबसे ऊपर नजर आती है। कहते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा पर जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाए थे और फिर काशी में अत्याचार के अंत का दीपोत्सव मना था। तब से लेकर आज तक काशी उसी दिव्यता और उसी भव्यता को जी रही है। ये पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था, उसी के उपलक्ष में सभी देवी देवता मिलकर दीप जलाए थे, तो उसी को देव दीपावली नाम से हम लोग जानते हैं और आज मनाते हैं। 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने इसे आध्यात्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और तभी से जो है इंडिया गेट की अनुकृति बनती है, जहां पे शहीदों को सलामी दी जाती है, आर्मी का बैंड आता है, वहां पे उनको लास्ट पोस्ट दिया जाता है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, अंतिम विदाई दी जाती है। और भगवती माँ गंगा की 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याएं, जो कि उस दिन के लिए महाआरती होती है, उस दिन के लिए विशेष रूप से आरती होती है। वैसे तो काशी सदैव उत्सव के रंग में रहती है, लेकिन देव दीपावली पर बाबा की नगरी का रंग अलग ही नजर आता है। इस बार भी देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ 21 ब्राह्मण और 42 देव कन्याओं के हाथों महाआरती के साथ होगा। उसके बाद काशी के 84 घाट दीयों की रोशनी से जगमगा उठेंगे। एक घाट से पंचगंगा घाट से शुरू हुआ था, आज 84 घाटों पे और 84 घाटों के उस पार भी जो रेत का एरिया है वहाँ भी कार्यक्रम होगा, दीप जलेगा। और ये कार्यक्रम शुरू हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2017 में आए तो उनके दिशा निर्देश पे शुरू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ। आज देखिए पूरा जगमग, पूरा विश्वनाथ देखिए कॉरिडोर जो बना हुआ इतना सुंदर, और सभी घाटों पे लेजर लाइट का शो होगा। दीपावली का ये महाउत्सव भले ही आज काशी के घाटों पर मन रहा है, लेकिन इस उत्सव के रंग में राम की नगरी का रंग भी शामिल है। गंगा घाट पर फूलों से सजा राम दरबार बनाया गया है, वहीं देशभक्ति का रंग भी इस देव दीपावली में शामिल किया गया है। और प्रभु श्री राम का जो है वो एक आध्यात्म और राष्ट्रवाद आपको एक झलक में आपको इस झांकी दर्शन में देखने को मिल जाएगा। और 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि जो शहीद हैं, जो परिवारजन हैं, उनके परिवारजनों को हम लोग मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत करते हैं
और इस वर्ष हम लोग के लिए हर्षोल्लास का विषय ये भी है कि इस वर्ष हम लोग से CISF और RPF ये दो और संस्थाएं जो हैं वो हम लोगों से जुड़ी हैं। गंगा मैया के अचरा फैला ला सागरी, अरे गंगा मैया के अचरा फैला ला सागरी। काशी ने सदियों से दुनिया को आध्यात्म की राह दिखाई है। ये शहर केवल भगवान शिव की शक्ति भर का शंखनाद नहीं है, बल्कि काशी तमाम आध्यात्मिक मान्यताओं की माटी भी रही है। यही वजह है कि इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत, डेलीगेट्स और उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं। जो काशी खुद में एक उत्सव का नाम है, जो काशी खुद में एक विधान है, जो काशी शिव का धाम है, वो काशी आज देव दीपावली का महाउत्सव मना रही है। आज देश के तमाम तीर्थों पर उत्सव के साथ आस्था का रंग जमा है, लेकिन सबसे अद्भुत रौनक बनारस में है, जहां कुछ ही देर में बाबा का धाम रोशनी से दमकने वाला है और देवताओं की उपस्थिति में काशी स्वर्ग से भी सुंदर दिखने वाली है। बगले की नाराम के बाटे आपने बखरी। बनारस से रोशन जायसवाल के साथ कुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। काशी नगरी हरदम मस्त रहे ला भोला, काशी नगरी हरदम मस्त रहे ला भोला, काशी नगरी। तो काशी नगरी में भव्य और दिव्यता के साथ आपको बता दें देव दीपावली की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मिलवा देते हैं आज हमारे मेहमान से। हमारे साथ जुड़ रही हैं वानिया आर्या जी, एस्ट्रोलॉजर। वानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर। विक्रमादित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंडित संजय शर्मा, बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका। साथ ही साथ प्रदीक दधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष आचार्य। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले वान्या जी, आज की खूबसूरती की बात करें, और मुझे लगता है कि खूबसूरती की बात महिलाओं से ही शुरुआत अगर की जाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो आप भी बेहद खूबसूरत लग रही है, आज का दिन अपने आप में बेहद पावन है, बेहद पवित्र है। तो ऐसे में जो सुंदरता है वहां की, वो देखते ही बनती है, दिव्य है, अद्भुत है। काशी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजी हुई है। इसका हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में क्या कुछ वर्णन है, जरा बताएं। धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले GNT के माध्यम से देव दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास की पूर्णिमा है, आज के दिन व्रत रखने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन जो है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का जो है वध किया था, जिस वजह से काशी में अत्याचार का अंत हुआ था। तो इस वजह से आज के दिन अगर हम शिव संप्रदाय की बात करते हैं तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन जो है भगवान विष्णु ने भी मत्स्य नामक अवतार धारण किया था। आज के दिन जितना हो सकता है हम जितना दीप दान करेंगे, दीप जलाएंगे, दूसरों के जीवन में हम प्रकाश फैलाएंगे, तो भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। आज के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी आधा दिन निकल चुका है, लेकिन पूजा के, शाम की पूजा का खास मुहूर्त है, तो आज के दिन अगर आप इस टाइम पर जो है अपने घर में दीप उत्सव करते हैं, अगर आज के दिन स्नान की भी बहुत महत्वता है, अगर आज के दिन आप किसी भी पवित्र नदी या जगह स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अभी शाम का समय होता जा रहा है, लेकिन अगर आपने सुबह उठकर स्नान किया है तो बहुत ज्यादा महत्व। आज के दिन अपने घर में घी के दीपक जो है जरूर जलाएं, खास तौर पर अपने मुख्य द्वार पर। माता लक्ष्मी को जो है आज के दिन जो है आप पान के पत्ते पर शहद की बिंदी लगाकर उनको जरूर अर्पित करें, क्योंकि आपकी सारी धन समस्याएं आज के दिन पूर्ण होंगी। आज के दिन गुरु पूर्व भी है, आज के दिन जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, प्रकाश का ही पर्व है ये पूरा जो है। आज के दिन ये एक तरह से एक छोटी दिवाली होती है, एक बड़ी दिवाली होती है, और आज के दिन दीप दीपावली होती है। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन देवता लोग भी जो है खुद दीपक जलाते हैं, तो ये देवताओं की भी दिवाली होती है। हमारी तो होती है, देवताओं की भी साथ में होती है। तो आज के दिन अगर हो सकता है तो आप मंदिर जरूर जाएं, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं, और जितना हो सकता है शिवलिंग पर आप शहद भी आज के दिन जो है, आज के दिन और क्या क्या करना चाहिए, पूजन विधि, जो लोग घर में हैं अगर वो घर में इसकी पूजा होती है तो वो किस तरह की पूजा होती है, ये भी आपसे जानूंगी। आचार्य विक्रमादित्य, आपके पास आते हुए,
सबसे पहले तो ये लोगों के मन में पहले ये था, ये तो अलग बात है, और खास करके गुड न्यूज टुडे एक तरह से, न सिर्फ चूंकि मैं इससे जुड़ी हुई हूं बल्कि वैसे भी कहना चाहूंगी कि हर उत्सव के यानी कि सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है कि हर उत्सव के मायने भी लोगों को बताएं और साथ ही साथ शास्त्रों में उसका क्या वर्णन है, एक एक चीज आप लोगों के साथ जो तमाम ज्ञानी हैं उनके माध्यम से हम लोगों को बताएं, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है ताकि लोग जान सके, जो नई पीढ़ी है वो समझ सके सनातन की इन तमाम पर्व त्योहारों को। तो ऐसे में आचार्य जी जरा ये बताइए, देव दीपावली, बच्चे जो है अक्सर वो ये समझते हैं कि भाई दीपावली तो हो गई जो हमने पटाखे फोड़े और गणेश लक्ष्मी की पूजा हुई, लेकिन ये देव दीपावली क्या दीपावली होती है, कैसी दीपावली होती है, देवताओं की दीपावली हम इसे कहते हैं, इसके बारे में जो तमाम खास करके जो नए लिसनर्स है, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? श्वेता जी, सबको पहले सबसे पहले देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। जैसा इसका नाम से प्रचलित है, देव दिवाली, अपने आप देवताओं की भी दिवाली जो कहा जाता है कि देवता इस दिन धरा पर आते हैं उस आनंद पर्व का, उत्सव का आनंद लेने के लिए। आदि दिवाली यही है, वास्तविक तौर पे आदि काल से जो मनाई जाने वाली दिवाली यही है, जो भगवान राम के आने के बाद, अयोध्या वापस आने के बाद जब दिवाली मनाई गई, तो इसका कालांतर में अब लोप हो गया है देव दिवाली का, लेकिन आदि काल से दिवाली इसी पर्व को माना जाता, कार्तिक मास की पूर्णिमा की, कार्तिक मास की अमावस्या पर भगवान जब अयोध्या वापस आए वनवास से, तब उस दीपावली का महत्व तो और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन देव दिवाली अनादि काल से मनाई जाती, अनादिकाल सतयुग से भी जो समय से इस देव दिवाली का वास्तविक तौर पर कहा जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इस दिन स्वयं देवता गण भी धरा पर आकर तीर्थ स्नान कर वहां पर सुंदर तरीके से पुण्यों को प्राप्त करने के लिए उस काशी क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में इसका मनाया जाने का प्रताप है कि धरा पर आते हैं देवतागण। तो अब धीरे धीरे लोप होता चला गया क्योंकि कालांतर में दिवाली का प्रसंग इतना ज्यादा हो गया कि, और भारतीय संस्कृति का तो किस प्रकार से बहुत सारी ऐसे त्योहार हैं जिनको हम भूल गए। आज गुड इंडिया जो आज तक चैनल ने बहुत सुंदर प्रयास किया है कि ऐसे त्योहार जिनको लोग भूलते चले जा रहे हैं उनके बारे में भी अब सुंदर तरीके से लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन देवताओं का स्तवन सुंदर रूप से किया जाना चाहिए, समस्त देवताओं का, भगवान विष्णु का, शिव का, समस्त प्रकार से पूजन महालक्ष्मी के साथ जो किया जाता है तो उस प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। दीप दान यानी विशेष तौर पे बड़ा महत्व रखता है दीप दान करना, दीप स्वयं ही ज्ञान का प्रतीक है और कहा जाता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम की समस्त प्रकार की आरोग्यता को भी देने वाला भी है, ज्ञान को भी देने वाला भी है। तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त भी दीप दान किया जाता है और साथ साथ संपूर्ण धरा को प्रकाशमय बनाने के लिए आज पंजाब क्षेत्र में जो वास्तविक रूप प्रकाश उत्सव मनाया जाता है वो वहीं से परंपरा लगी है, वहीं से परंपरा आरंभ हुई है कि प्रकाश पर्व को उन्होंने गुरु नानक देव के साथ जुड़ गया तो और ज्यादा लोगों ने उस परंपरा को जोड़ दिया, लेकिन है वो वास्तविक तौर पर देव दिवाली का ही वास्तविक स्वरूप। धीरे धीरे कालांतर में क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सरकारें रही जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत सारे पर्वों को लोप करने का प्रयास किया, उस संस्कृति की ज्ञान लोगों तो नहीं पहुंचाया, आज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे जो पौराणिक उत्सव है उनके बारे में भी लोगों को अब पुनः अवगत कराने का सुंदर प्रयास किया जा रहा है। और पूरा इस प्रकार योगी बाबा के आने के बाद से जिस प्रकार से बनारस की घाटों को पूरी तरह से सुंदर तरह से प्रकाशित करने की व्यवस्था बनाई गई है, ये पुनः सतयुग का निर्माण करने का एक जो कार्य आरंभ हुआ है, हमें आशा है कि लोग भी इसको सुंदर तरीके से अपने घर को सुंदर तरीके से प्रकाशित करें। इस दिन विशेष तौर पर घर घर में सुंदर तरीके से दिवाली की तरह ही प्रकाश किया जाना चाहिए और आज वो परंपरा पुनर्जीवित हो रही है, हमने पिछले 5-6 सालों में देखा। बिल्कुल, संजय शर्मा जी के पास आते हुए, संजय जी आपसे अब मैं उस कथा के बारे में बात करना चाहूंगी जिसकी शुरुआत वाणी आर्या जी ने की थी। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन त्रिपुरा सुर का जो है वो वध किया था शिव जी ने, ऐसे में वो कथा कौन सी थी और क्या वरदान मिला था त्रिपुरासुर को, किस तरह से उसका वध किया गया, क्योंकि एक समय में ऐसा जो कहानी कहती है कि बड़ा मुश्किल हो गया था देवों के लिए कि उसका वध कैसे किया जाए, कैसी घड़ी थी, किस तरह से उसका वध किया भगवान शिव ने, जरा हमें बताएं। जी देखो, त्रिपुरासुर जो थे उनका तीनों लोगों के ऊपर जो है राज्य हो गया था और उन्होंने पूरे यहाँ पर अशांति फैला दी थी, पृथ्वी लोक भूलोक सारे लोगों में, और भगवान शिव ने जो है उनके जो अत्याचार से जो है आज के दिन उनका वध किया और उस वध के बाद जो है दीप जो देव लोग थे वो सभी के सभी प्रसन्न हो गए और उसी दिन से जो है ये दीपावली मनाई गई, क्योंकि जितने भी देव लोग के लोग थे वो प्रसन्न हुए क्योंकि इस दिन जो है
जब वो मारा गया राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस था जिसको मारना कठिन था, भगवान शिव ने जो है उसको जो है मार दिया, और तब से भगवान शिव भी जो है त्रिपुरारी कहलाने लगे। तो ये कहानी इसके पीछे है, और इसमें एक दो कहानियां और भी हैं काफी, जो पौराणिक कथाएं हैं जो स्कंद पुराण में भी आती हैं, परंतु मेन जो कहानी है वो यही है। और भगवान शिव जो थे, कहते हैं कि शिव के अंदर जो शक्ति है, और जो शक्ति जो भगवान शिव की है उस शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, और भगवान ने जो है उनका वध जो है बड़ी आसानी से कर दिया, और तब से देवता लोग प्रसन्न हो गए, और देवलोक में भी और पृथ्वी लोक में भी इस दीपावली को मनाया जाने लगा। और तभी से जो है, अभी पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बोला, दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपों में हरतु में पापम, प्राते दीप संध्या दीप नमस्तुते। तो सभी प्रकार का अंधकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने जो है उनका उनका वध कर दिया, और उससे पृथ्वी पे भी और तीनों लोकों का जो अत्याचार था उनका खत्म हो गया, जो उन्होंने अपना साम्राज्य सब जगह फैलाया हुआ था उसको समाप्त कर दिया, और इस लोक में भी और परलोक में भी और स्वर्ग लोक में भी सब जगह जो है शांति प्राप्ति हुई। और तभी से जो है इस त्योहार को मनाया जाने लगा, और तब से ही कहते हैं कि एक तरीके से लगता है कि आकाश गंगा जो पृथ्वी पर आ गई है, और वहां इतने सारे हजारों दीपक काशी में जलाए जा रहे हैं, और वो पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा सुख जी और आनंद देने वाला अवसर रहेगा, और इसी को हम देव दीपावली भी कहते हैं। और आज के दिन जो है शिव योग, रवि योग, परिद योग, ये तीनों योग भी बन रहे हैं, और जो लोग अपने घर पर ये पूजा करना चाहते हैं तो जहां पर भी आपका पीने का जल आप रखते हैं वहां पर जो है जल, इस जल की पूजा आप जरूर करें, वहां दीपक जरूर जलाएं, और सात पुष्प रखें, और सात दीपक जलाना बड़ा विशेषकर रूप से रहेगा। और आज के दिन गणेश जी की वंदना जरूर करें, और कहते हैं कि सभी देवताओं का आवाहन करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात जो है पूरे दिन ध्यान में रहें, भगवान शिव की भक्ति करें, और शाम के वक्त 5 बजे से 7 बजे तक जो है दीपक को जो है चलते पानी में प्रवाह करें, या अपने घर पर भी जला सकते हैं। और आज का दिन आपके जीवन के लिए, क्योंकि देव दीपावली है अर्थात देवताओं की दीपावली है, जो आपके जीवन में फल देगी, और भगवान शिव की उपासना जरूर करें, शिव तांडव तांडव बिल्कुल स्तोत्र का पाठ करें, या यजुर्वेद के मंत्रों का भी पाठ आज के दिन कर सकते हैं। एक छोटा सा मंत्र मैं लूंगा, ओम नमः शंभवाय चे मयोभवाय चे नमः शंकराय चे महेशकराय चे नमः शिवाय चे शिवतराय चे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात बताई, उस कथा को बताया जो कि आज की युवा पीढ़ी शायद ही जानती है, लेकिन अच्छा है इसी माध्यम से, हमारे माध्यम से, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, और आप तमाम जो ज्ञानी यहां पर मौजूद हैं उनके माध्यम से जो युवा पीढ़ी है वो जान रही है, समझ रही है कि हमारे जो पर्व त्यौहार हैं वो क्या महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में भी किस तरह से उनका महत्व है, न सिर्फ सिर्फ उत्सव के तौर पर उसे मनाया जाता है, लेकिन उसके पीछे, मनाने के पीछे की वजह जो है वो क्या है। अब चलते प्रतीक जी के पास। प्रतीक जी, आपसे यहां पर समझना चाहूंगी, देव दीपावली अक्सर हम देखते हैं बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ हर साल काशी नगरी में मनाया जाता है, तो इसके पीछे सिर्फ क्या ये वजह है कि वो शिव का धाम है इसीलिए वहां पर मनाया जाता है, या फिर देश में और भी दूसरी जगहों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें हम देख पाते हैं, या और भी कहीं मनाया जाता है? नमस्कार, जय श्री बालाजी सभी लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे सर ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी में बताई कि भाई जो देव दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो एक मैं उसमें पॉइंट ऐड करूंगा कि जब उन्होंने उनको ब्रह्मा का वरदान था, जिन असुर की हम बात कर रहे हैं, जिनसे विजय प्राप्त करके भगवान शिव ने सभी देवताओं को प्रसन्न किया था, उनको ब्रह्मा का वरदान था कि आपकी जो मृत्यु है वो एक असंभव तीर से होगी। तो भगवान शिव ने तीर, जो धनुष होती है उसमें जो तीर थे वो कौन थे, वो भगवान विष्णु थे। उस तीर से उस असुर का देहांत हुआ, उसका अंत हुआ, इसलिए देव दिवाली हमारी मनाई गई। और नो डाउट हमें सब लोगों को पता है कि भाई काशी है शिव की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है, ये मेन रीजन है कि भाई काशी में हम देव दिवाली का उत्सव मनाते हैं। और पहले तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो बीच में तो ये जो देव दिवाली मनाना विलुप्त सा ही हो गया था। हमने बहुत रेयर सुनते थे कि देव दिवाली मनाई जा रही है। अभी हमारे जो मोदी जी आने के बाद में नो डाउट उन्होंने बहुत बढ़िया वो काम करवा रहे हैं, और जितने उत्साह के साथ में काशी में जो देव दिवाली मनाई जाती है,
मेरे अकॉर्डिंग उतने उत्साह के साथ में भारतवर्ष में कहीं पर भी देव दिवाली का उत्सव नहीं मनाया जाता। हमारे राजस्थान में एक जगह है, जयपुर है, जयपुर से थोड़े कुछ एक किलोमीटर दूर एक छोटा सा विलेज है, वहां पर देव दिवाली का पर्वोत्सव मैंने यूजुअली पिछले साल बनाते हुए देखा था। उसके अलावा मैंने इतना जो उत्साह से देव दिवाली का उत्सव काशी के अलावा कहीं बनाए हुए नहीं देखा। बिल्कुल वान्या जी इस बीच आपसे समझना चाहूंगी, आज कहते हैं कि आज भगवान सत्यनारायण की पूजा या कथा, क्योंकि अभी अभी मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही थी तो हमारी ही सोसाइटी में एक जो नेबर है हमारे, उनका मैसेज भी आया कि हमारे यहाँ पूजा है सत्यनारायण की, तो आप लोग जरूर आए, तो ये मैं समझना चाहूंगी। और जो जहां तक हम जान रहे हैं, अभी लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा है कि सत्यनारायण की पूजा जो है आज के दिन विशेष करके लोगों को करनी चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है? बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा श्वेता जी। तो आज के दिन तीन देवी देवताओं की पूजा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो भगवान शिव की, सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण की अगर कथा आप पूरी पढ़ सकती हैं और पूरी कथा जो है विधि पूर्वक जो उस कथा के लिए प्रसाद बनाया जाता है वो आप आज के दिन जरूर बनाएं, भगवान सत्यनारायण को भोग लगाएं। कहते हैं कि जो भी इस दिन सत्यनारायण की कथा करता है उसके 7 जन्मों के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जितना हो सकता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप जितना ज्यादा कर सकते हैं इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है उसकी। भगवान तुलसी माता की जो है इस दिन आप तुलसी पर दीप जरूर जलाएं, क्योंकि जो कार्तिक मास जो होता है पूरा उसमें भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की बहुत ज्यादा आराधना की महत्वता का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, और माँ तुलसी की, माँ तुलसी की हम जितनी ज्यादा आराधना करेंगे। मैं कहीं पढ़ रही थी वान्या जी, उसमें ये लिखा था कि आज तुलसी की पूजा तो होती है, तुलसी विवाह भी होता है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने तुलसी विवाह घर में भी पूजा की थी और वैसे भी उस पर कार्यक्रम भी किया था, लेकिन आज भी कह रहे हैं कि आज भी तुलसी विवाह किया जाता है। आप बिल्कुल लाइक ठीक पूछा है आपने श्वेता जी, लेकिन आज तुलसी विवाह नहीं है, लेकिन आज तुलसी की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अभी जो है तुलसी विवाह हमने लास्ट वीक ही मनाया है, उस दिन जिस दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी की शादी का जो हमने करवाई थी, उस दिन जो कुंवारी कन्याएं थी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जिनकी शादी नहीं होती, लेकिन आज तुलसी माँ का जो है प्रकाट्य इस धरती पर उत्पन्न हुआ था, तो उस दिन जो इस दिन जो है माँ तुलसी की आप पूजा कीजिए और पूरे सच्चे मन से करें, और याद रखें कि ये दीपक जो है अगर आप कर सकते हैं तो आप देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। माँ लक्ष्मी के लिए आज आपको खीर जरूर बनानी है, ओम नमः शिवाय का जाप, त्रियंबकम मंत्र का जाप, ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके मेवे बंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्, आप वो भी कर सकते हैं, शिव तांडव स्रोत का पाठ कर सकते हैं, पर भगवान विष्णु की आज आप जितनी आराधना करेंगे उन्हें पीली मिठाई, पीले फूल, पीले फल जो है आज उन्हें आपने चढ़ाने हैं। श्री हरि को पीला रंग जो है वो काफी प्रिय है, तो इसीलिए उनको भगवान विष्णु, हर कोई जो भी उनको पूछता है वो जानता है कि पीले रंग का हर चीज श्रीहरि को आज चढ़ाना चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो या फिर प्रसाद हो, हर चीज पीला होना चाहिए। आज देवताओं की दीपावली मनाई जा रही है, भव्यता और दिव्यता के साथ काशी सज धज कर तैयार है, इसलिए सीधे आपको अब लिए चलते हैं हम काशी, जहां से हमारी संवाददाता गुंजन हमारे साथ जुड़ रही है। गुंजन आप वहां पर मौजूद है, आज का दिन बेहद खास है, बेहद पवित्र है, आज पवित्र स्नान में वहां पर लोगों ने डुबकी भी श्रद्धा की लगाई होगी, इस वक्त कैसी तस्वीरें काशी की पहले दिखाएं। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 80 घाट पर और काशी की भव्यता देखते ही बन रही है। आप ये तस्वीरें देख सकती हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ चुका है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और हर तरफ आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। और ये है गंगा सेवा समिति की तरफ से जहाँ पर गंगा आरती होनी है उसको सजा दिया गया है फूलों की माला से, साथ ही साथ दीप जो है उन्हें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर होगी गंगा आरती जिसकी झलक देखने के लिए ये लोग दूर दूर से आए हैं। बनारस के लोग तो हैं ही, लेकिन दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु जिन्होंने सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और अब वो इंतजार कर रहे हैं भव्य आरती जो कि बनारस की पूरे देश में फेमस है उसे देखने के लिए। हालांकि जो पूरा कार्यक्रम है वो दशाश्वमेध घाट पर हमें देखने को मिलेगा, मैं बता देती हूँ श्वेता वहाँ क्या क्या होगा। भक्ति और राष्ट्रवाद की झलक दशाश्वमेध घाट पर आज देखने को मिलेगी, आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद व सामाजिकता की झलक भी होगी और रामलला को समर्पित वहाँ की आज के
के दिन आरती रहने वाली है। राम मंदिर की झलक को भी वहां दिखाया जाएगा। गंगा सेवा निधि द्वारा अमर जवान ज्योति की अनुकृति को अंतिम रूप भी वहां पर दिया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले जब मैं वहां पर पहुंची थी, साथ ही साथ 21 अर्चक और 51 देव कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में इस घाट पर महाआरती में शामिल होने वाली है, जो नारी शक्ति का भी यहां से संदेश देंगी। घाटों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्रों के जरिए संदेश देंगी। तो वहीं गुरु नानक देव की जयंती भी है और इस प्रकाश उत्सव पर उनसे चित्रों का प्रदर्शन भी होगा। और अब बात कर लेते हैं 80 घाट की, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर भी भव्य आरती की झलक हमें देखने को मिलेगी। हर तरफ आप लोगों का सैलाब देख सकती हैं श्वेता, किस तरीके से यहां पर लोग बहुत पहले से आरती होने में, अभी समय है करीब आप मान के चलिए 6:30 बजे के लगभग यहां पर आरती होगी। लेकिन इन लोगों को पता है कि अगर इन्होंने अभी जाकर अपनी जगह नहीं बनाई तो इनको यहां जगह नहीं मिलने वाली है। पूरा घाट हर तरफ से खचाखच भर जाएगा और यहां पर जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि देवताओं की दीपावली मनाई जा रही है और अयोध्या से कुछ अलग नजारा यहां पर नहीं है। अयोध्या जैसी ही तस्वीरें, बल्कि यूं कहूं कि उससे भी भव्य तस्वीरें, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से यहां पर पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और देव दीपावली की रौनक। बिल्कुल, साथ ही आपसे यहां पर गुंजन समझना चाहूंगी, 80 घाट, हालांकि जैसे जैसे शाम ढलेगी वहां पर और ये जो लाइट्स लगी हुई है जब वो जलेंगी तो और खूबसूरत वहां पर नजारा देखने को हमें मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि इस बार के लिए बताया जा रहा है, ये देखिए पहले आपको हम तस्वीरें चलिए दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जो कि काशी विश्वनाथ में बकायदा पूजा पाठ पूजन अर्चन कर रहे हैं। तमाम साधक संत यहां मौजूद हैं, पुजारी उन्हें पूजा करवा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आध्यात्म और संस्कृति की आप देख रहे हैं यहाँ पर, सीधे आपको काशी विश्वनाथ से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बकायदा यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ रुद्राभिषेक की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे तमाम मेहमान, अगर आप में से कोई देख पा रहा है तो आपसे ही जानना चाहूंगी, आचार्य विक्रमादित्य अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इन तस्वीरों के साथ साथ आप बताएं कि क्या ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है अभी काशी विश्वनाथ में, क्या रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ जी? जी, भगवान का पहले अभिषेक किया जा रहा है, अभिषेक करके विभिन्न सामग्रियों के साथ विभिन्न, पहले अभी आपने देखा दूध से भगवान का अभिषेक किया गया, फिर भगवान के ऊपर जल से अभिषेक किया गया, फिर शहद से अभिषेक किया गया, फिर शर्करा से अभिषेक किया गया, फिर बिल्वपत्र भगवान पे चढ़ाए गए
और रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक, जिस प्रकार से जो मंत्र वहां से सुनाई दे रहे थे, नमस्ते रुद्र मन्ने भवतो तई खवे नमः बाहुप्यामुदते नमः जाते रुद्र शिव तनोर घोरा पापे के, रुद्र सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन सुंदर रूप से भगवान का अलंकरण किया जा रहा है और सुंदर तरीके से पुष्पमालाएं अर्पित की जा रही है। ये भगवान का जो सुंदर तरीके से पूजा करने का जो सुंदर विधान भारतीय संस्कृति में बताया गया है, उसी प्रकार से अब मंदार के पुष्पों की माला आप देखिए वहां पंडित जी के द्वारा बाबा के द्वारा अर्पित की गई है बाबा को, और अब भगवान का सुंदर रूप से संपूर्ण रूप से भगवान का षोडशोपचार पूजन, राज्योपचार पूजन करने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। भगवान का अब नैवेद्य भगवान को वहां अर्पित किए गए हैं और जिस प्रकार से संपूर्ण दक्षिणा इत्यादि के साथ भगवान का आरती के लिए सुंदर भगवान के लिए वहां पर आरती जारी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, स्वरूप से भगवान का सुंदर स्तवन स्वयं योगी जी वहां विद्यमान है और वो पूर्ण रूप से विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। हमने इस देश के अंदर वो व्यवस्था भी देखी है कि जब लोग मंदिर जाने से कतराते थे और विभिन्न अलग अलग परिपाटियां चलती थी, आज सुंदर तरीके से सनातन संस्कृति का सुंदर जीर्णोद्धार करने की सुंदर व्यवस्था की जा रही है और आज इस सुंदर पर्व को देव दिवाली जो एक तरह से कालांतर में लोप हो गई थी परंपरा, आज उसका सुंदर पुनर्जागरण करके सुंदर भारतीय जनमानस के रूप को उससे अवगत कराने का सुंदर जो प्रयास किया गया है सरकारों के द्वारा, वो एक बहुत सुंदर कार्य है। और देखिए भारतीय संस्कृति में जो सुंदर ये परिपाटियां हैं, इनका मानव जीवन के साथ एक बहुत सुंदर तारतम्य बना हुआ है इन सब चीजों को। अब ये अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम इसको बहुत अच्छे समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो सुंदर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, विभिन्न औषधियों का उपयोग करते हैं, शहद के द्वारा, घी के द्वारा, दही के द्वारा, तो अगर आप कोई व्यक्ति सोचे कि इसके औषधीय दृष्टिकोण से कितने सुंदर लाभ है वो भी यदि हम समझे तो बहुत सुंदर तरीके से उसको कभी समय मिलेगा तो उसमें बात करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आज इस देव दिवाली के पर्व पर भगवान त्रिपुरारी का जो सुंदर पूजन करने के लिए समस्त लोग उपस्थित है और सब लोग दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के, ये भगवान का बहुत सुंदर प्रताप है कि सब लोग घर बैठकर आपके इस चैनल के माध्यम से इस देव दिवाली के दिन भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। और इस दिन और भी बहुत सारी मान्यताएं भारतीय संस्कृति में, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक का पूरा एक महीने का स्नान चलता है और उसके बाद सुंदर तरीके से इस दिन भगवान की संपूर्ण रूप से पूजन करने के उपरांत भगवान विष्णु का बिल्कुल। और यहाँ पर अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन किया काशी विश्वनाथ में और अब वो बाहर निकलते हुए, आपको बता दें ये भव्यता और दिव्यता, आज यहाँ पर विशेष कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, 70 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आने वाले हैं। अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा सही में विक्रमादित्य जी भी कह रहे थे कि एक समय हुआ करता था जब कई लोग कतराते थे मंदिर जाने में, लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा संस्कृति रही है उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें अब देखिए धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। जब खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमें अलग अलग मंदिर मठों में जाते हुए दिखते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हुए दिखते हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तरफ से। देखिए तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ को अब यहाँ पर सम्मान स्वरूप भेंट उन्हें दिया जा रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप देखिए चारों तरफ मंदिर प्रांगण में यहाँ पर भक्त जो हैं वो मौजूद हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से आज एक संदेश अयोध्या का भी दिया जाएगा जहां पर भव्यता और दिव्यता के साथ वहां पर 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को वहां रामलला अपने मंदिर में पधारेंगे। लेकिन उसके पहले की ये खूबसूरत तस्वीरें काशी से हम आपको सीधे दिखा रहे थे, तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को आज के दिन आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ साथ देव दीपावली की महत्ता बताने के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। गुंजन आपका भी बहुत धन्यवाद, फिलहाल बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, भोले बाबा की पावन नगरिया है ये, गंगा मैया की मोहक डगरिया है ये, काशी नगरी का पत्थर भी पारस है ये बनारस है, ये बनारस है हारा।